हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली है क्या? आप सबको पता है कि 1895 में, कब 1895 में हमारे एक्सरे की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? एक्सरे की, ठीक है ना। जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट है जो फ्रांस के, एक साइंटिस्ट है कहां के? फ्रांस के, ठीक है ना। फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेनरी बेकरल। क्या नाम है? हेनरी बेकरल जिनका नाम है। इन्होंने क्या करा कि ये भी कुछ मटेरियल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और कौन से मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ये दो मटेरियल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में फ्लोरोसेंट मटीरियल, ठीक है, और एक होता है फॉस्फोरसेंट मटेरियल। कौन सा होता है? फॉस्फोरसेंट मटेरियल, ठीक है। ये दो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, किससे? किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगर आप इसको एक्सपोज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप इसको एक्सपोज करते हो, तो ये एक लोअर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। ये एक मटेरियल है, या ये तो फ्लोरोसेंट मटेरियल हो सकता है या फॉस्फोरसेंट मटेरियल हो सकता है। और ये मटेरियल को अगर आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक्सपोज करते हो तो ये हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। तो हेनरी बेकरल ने सोचा कि हमारे पास जब ये मटेरियल है तो ये भी हो सकता है उसी तरीके की कोई एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा हो, है ना, क्योंकि इसके अंदर से भी कुछ एमिट हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर भी हो सकता है इसी के तरीके, जैसे एक्सरे के अंदर पे जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसके अंदर पे भी कोई एनर्जी हो सकती है जो हमारे ब्लैक पेपर को क्या कर सकती है? पेनिट्रेट कर सकती है, या किसी मीडियम को पेनिट्रेट कर सकती है। बस, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। वो इन दोनों में फेल हो गए, मतलब ये एक्सपेरिमेंट इनका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके अंदर पे इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है कि वो किसी भी मीडियम्स को क्या कर सके? पेनिट्रेट कर सके। तो अब इन्होंने क्या करा कि एक एक्सीडेंटली, क्या एक्सीडेंटली, और ये प्योर एक्सीडेंट है। क्या है? प्योर एक्सीडेंट है। एक्सीडेंटली क्या हुआ कि इन्होंने जिस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यहां पे नीचे पे एक फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारी एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है ना, ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट हो गई, ठीक है। इसी के ऊपर पे यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है एक ब्लैक पेपर। क्या रखा हुआ है? ब्लैक पेपर। फोटोग्राफिक प्लेट इसलिए रखी है क्योंकि हमारे पास में जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव इसके ऊपर पे कोई इमेज का फॉर्म कर सकती है। उसके बाद में ब्लैक पेपर इसलिए रखा कि वो उस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट, ये मोटा पेपर थिक पेपर होता है, ये ब्लैक पेपर यहाँ पे क्या कर सक होगा कि इसको पेनिट्रेट करके, क्या करके पेनिट्रेट करके ये इसके नीचे पे इमेज बना रही है। तो पहले ये क्या कर रहे थे? फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट मटेरियल को इसके ऊपर रख रहे थे, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा था, मतलब कि नीचे पे कोई इमेज नहीं बन रही थी। वो सॉल्ट ऊपर पे रख रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक प्योर एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि यहां पे इनसे अचानक से कोई यूरेनियम जो है वो यहां पे रह गया। क्या रख दिया इन्होंने? यूरेनियम। अब ये यूरेनियम इसके ऊपर रखा रहा। तो जब इन्होंने आके बाद में देखा, कुछ टाइम के बाद इन्होंने चेक किया, तो पेपर को हटाया तो देखा कि हमारे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पे क्या बना हुआ है, वैसे ही जैसा हमारा ऊपर पे यूरेनियम पड़ा हुआ था वैसे ही नीचे फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ शेड्स, कुछ इमेजेस फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। तो वहां से पता चला कि जो यूरेनियम हमारा है ये एक ऐसा मटेरियल है जो क्या कर रहा है, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी को, कुछ ऐसी रेडिएशंस को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है जो क्या कर सकता है, इस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बना सकता है, ठीक है ना। तो यहां से हमारी डिस्कवरी हुई किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। किसकी खोज हुई? रेडियो एक्टिविटी की। और किसने करी? हेनरी बेकरल ने। और कौन से सन में करी ये हमारी जो रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी? ये हुई थी 1896 में। किसमें हुई थी? 1896 में। रेडियो एक्टिविटी किसकी? रेडियो एक्टिविटी की क्या हुई? डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। और किसने करी थी?
हेनरी बेकरल ने। जब ये पता चल गया उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि मैडम क्यूरी आई, पेरी क्यूरी आए, उसके बाद में उन्होंने सबने आके रिसर्च करी, खुद हमारे हेनरी बेकरल थे इसके आगे पे इन्होंने रिसर्च करी, फिर आए हमारे रदरफोर्ड और उनके एक स्टूडेंट सोडी, तो उन्होंने भी आके एक्सपेरिमेंट करी, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि हमारे पास में अगर कोई मटीरियल, जैसे हमारे पास में कोई प्योर मटीरियल है मान लीजिए ये, और ये मटीरियल क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी अपनी फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है, तो जब ये फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी निकालेगा या पार्टिकल निकालेगा, तो उसके बाद में ये जो मटीरियल होगा ये किसी अनदर मटीरियल के अंदर पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब के हमारा यूरेनियम था, यूरेनियम अगर अपने अंदर से डीके करता है तो वो किसी दूसरे ही मटेरियल में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो वो पार्टिकल रिलीज कर रहा है ना, या फिर उसके अंदर पे कोई दूसरा चेंजेस हो रहा है, मतलब के उसके न्यूक्लियस के अंदर पे कोई चेंजेस हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में चेंज हो रहा है। तो यहां से पता चला हमें इसके अंदर पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डीके प्रोसेस। क्या कहते हैं, डीके। अब ये कैसे होता है, तो हमें आप सबको पता ही है, हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं, जैसे हमारे पास में अल्फा डीके होता है, क्या होता है, अल्फा डीके होता है, उसके बाद में हमारे पास में बीटा डीके होता है, उसके बाद में हमारे पास में गामा डीके होता है, क्या होता है, गामा डीके होता है। तो ये सारे डीके किस तरीके से होने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर पे होता है, जब अल्फा डीके होता है तब क्या होता है, बीटा डीके होता है तब क्या होता है, या गामा डीके होता है तो क्या होता है, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को या इन सारी प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम अल्फा डीके पे बात करेंगे, बीटा डीके पे, बीटा में हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, फिर गामा रेडिएशंस पे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये सारे डीकेज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी की खोज इस तरीके से हुई, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये है। तो यहाँ पे आप सबको पता चल गया कि हमारे पास में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है, उसी के अंदर पे रेडियो एक्टिविटी होती है। अगर हम फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरसेंट मटेरियल्स की बात करें तो इसके अंदर पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं निकल रही है, इसके बारे में भी है, यहाँ पे भी हम किसी दिन फ्लोरोसेंट मटेरियल फॉस्फोरसेंट मटेरियल की नेक्स्ट किसी वीडियो पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये मटेरियल्स क्या होते हैं, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेडियो एक्टिविटी, तो हम रेडियो एक्टिविटी पे ही अल्फा बीटा डीके के नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अगर किसी के कोई क्वेरी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।